भी भाई साहब, मैं ऊपर आया हूँ तो ऊपर वाली मुर्गियों ने क्या किया है, वो मुर्गी जो है ना पीछे जिसकी पूंछ छोटी छोटी है, उसने क्या किया है, इधर आके ना भाई साहब अंडा तोड़ा है। ये देखें, इधर अंडा तोड़ा है, इधर अंडा दिया हुआ था, इधर अंडा तोड़ा है और अंडा जो है ना खा गई है मेरे सामने स्पीड से, एकदम से स्पीड से यार अंडा खा गई है। यार अब इसका पता नहीं क्या किया जाएगा, तो एकदम से सारी झपड़ गई है उसके ऊपर, ये एक ही अंडे के ऊपर जो है ना, सॉरी एकदम से एक मिनट से पहले जो है ना, मेरा कैमरा ऑन होने से पहले ही जो है ना खत्म कर गई थी, फिनिश कर गई थी। तो मैंने कहा यार इनका कुछ करते हैं यार हल, तो मैंने ना कुछ सोचा है तो वो मैं बताता हूँ, पहले भाई से पूछ लूँ तो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ टपाल जो है अब अकेली रह चुकी है, ठीक है, दानेदार जो है इसका हस्बैंड तो मर गया है यार, बस बड़ा अफसोस हुआ है। तो कल ऐसे अचानक ही उसकी भी डेथ हो गई है, तो हमारी समझ से बाहर है। तो माशाल्लाह से ना वो आपको वो भी दिखाऊंगा, इसके जो हमारे कबूतर के बच्चे का कलर बना है ना यार, खीरी बना है यार, मैं वो आपको दिखाता हूँ। और रैबिट को मैंने जो है ना तरबूज डाला है तो सारे रेड रेड हुए सही बात है, वो बच्चा भी जो है ना रेड हो गया, तो तरबूज का रहे और इनके टरबे में जो है ना कचरा भी नहीं अभी इतना ज़्यादा बनता। यहाँ तो पहले भाई साहब आप 2 दिनों के बाद मुझे कहते होते थे कि यार आपके टरबे में कितना गंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के करम और फजल के साथ शुक्र के साथ आज का विला करते हैं हम शुरू। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का विला करते हैं हम शुरू। तो आज जो है ना हमें एक काम करने वाले हैं बड़ा मज़े का भाई साहब, तो आज जो है ना आप वीडियो में बने रहिएगा तो इंशाल्लाह बहुत मज़े का काम करने वाले। थोड़ा सा जो है ना मौसम गर्म है, तो इस टाइम जो है ना छाँव में आके मैं खड़ा हुआ हूँ, तो जो ही जो है ना आपको मैं बताऊंगा कि हमने क्या करना है। हमने करना ये है, आपने थंबनेल तो देख लिया होगा कि हमने अपने चूजों के पर काटने हैं। वाइट वाले चूजों के पर जो है ना बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, तो उनकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही, तो हम जो है ना उनके पर काटेंगे। तो अभी जो है ना वो उधर चलते हैं तो वो दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह। काफी दिनों के बाद जो है ना अपने चूजों के पास आए हैं हम, तो यार एक चूजा जो है ना हमारा, इनमें से पिंक वालों में से एक छोटा रह गया, तो इनके बकाया ना पर यार बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो पर जो है ना इनके काटने, भाई ने बताया था इनके पर काटोगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे, तो मैंने ये अपने वाइट वाले चूजों के जो है ना पर काट देने हैं आज, थोड़े थोड़े से इनके पर काटने हैं हमने, तो आज ये काम हम करेंगे इंशाल्लाह। तो फीमेल भाई साहब बैठी हुई है, तो ऊपर से देखते हैं, चोरी चोरी देखते हैं, फीमेल भी बैठी हुई है इधर, ओए भाई साहब अंडा भी बैठी हुई है, चेक करो यार। अभी तक ना हमारी इसको ज़्यादा मजीद तंग नहीं करना, हमने बस आराम से देखना था। और आज जो सुबह मैंने देखा है ना, ये वाला जो हमारा तोता है ना, ये भी कुज्जे के अंदर था, तो कुज्जे का साइज़ जो है ना भाई साहब छोटा है, तो कुछ भी जो है ना आइंदा से हम बड़ा लाग लगाएंगे, तो ये वाले चूज़ों को जो है ना हम बाई शिफ्ट करेंगे, तो ये जो है ना बजी उनको हम इस केज में सेटल करेंगे इंशाल्लाह, तो मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। तो ये डब जो है ना, डब को इसी केज में हम रख देंगे ताकि और ये और वो जो है ना प्रॉब्लम ना हो सके, तो इस तरह का कोई यार मैंने सोचा है, तो इंशाल्लाह जो है ना करते हैं। अभी भाई साहब जो है ना हम पर काटने लगे हैं, तो पर काटते हैं तो साथ आपको दिखाते हैं। तो ये वाला पर एक जो है ना हम छोड़ देंगे, तो ये वाले पर जो है ना हम काटेंगे, तो अभी काटते हैं ताकि यार इनकी ग्रोथ जल्द से जल्द बढ़ सके। तो इसको हमने ऐसे रख लेना है सामने की तरफ, तो इधर से ऐसे इसके पर काटने शुरू करने हैं हमने, ये देखो ठीक है, चूंच भी मार है मुझे यार मेरी जोर से। तो मजीद ऊपर ऊपर से भी पर हम काट देते हैं, ये देखे जी अब इस तरफ से भी वैसे ही हमने काटने पर। वे कटिंग हो गए, कटिंग कर गए, बड़े बात फिर ये रह गए, ये वाले पर ठीक है, ये भी काट देंगे हम, ठीक है, ये देखो ऐसे इनकी ग्रोथ जो है ना अच्छी बन जाएगी।
तो ये जो कॉर्नर बने हुए हैं इनको भी जो है ना मजीद थोड़ा सा काट लें, ठीक है। तो ये कट गए पर इनके, इसकी वजह पता क्या होती है, इनकी कमी, ये देखे ये करीब से देखे इसकी ये कमी हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है ना इनकी ग्रोथ अच्छी बन जाएगी। तो अब जो है ना इसके पर चेक करें, ये देखे जी ये पर है इनके, ठीक है। ये कटिंग के बाद है, कटिंग से पहले नहीं, कटिंग के बाद। तो मजीद थोड़े से नजर आ रहे हैं मुझे, तो इसको ऐसे पकड़ लेंगे हम थोड़ा सा आराम से, ज्यादा जोर से नहीं। तो ये वाले पर भी उसी तरह जैसे वो वाले साइड के काटे हैं, ये भी हम उसी तरह काट देंगे। ये देखिए वैसे काट दें कि खूबसूरत भी लगे, ये ना होगा ऐसे ही काट दें तो खूबसूरती खत्म हो जाए, ठीक है। उस तरह की शेप में काटें कि खूबसूरती भी लगे इनमें। ये जी सब, अब इनके जो है ना सबके बाल काट दिए, ये देखें सबके जो है ना बाल कट चुके हैं, तो अब भाग रहे हैं। ये देखें ये सबके बाल काट दिए मैंने, तो अब घूम रहे हैं, तो इंशाल्लाह ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी इनकी। वैसे तो नजर नहीं थे सही आ रहे जब मैंने रूम में खोले थे, अब ये देखें ये बीच में है सारे, ठीक है। इन सब के जो है ना बाल मैंने काट दिए हैं, जो एक्स्ट्रा बाल थे ना वो काटे हैं मैंने, वो इसलिए काटे हैं कि यार ग्रोथ जो है ना इनकी अच्छी नहीं थी हो रही है। देखे ना एक ये बिल्कुल ही छोटा रह गया, तो दूसरे सारे बड़े हो गए चूजे, तो ये वाले चूजे बड़े नहीं थे हो रहे, तो जिसकी वजह से मुझे इनके बाल ऐसे काटने पड़े। तो अब जो है ना काट दिए इनके बाल सबके, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छी ग्रोथ कर जाएंगे इंशाल्लाह। देखे भाई साहब कितने ज्यादा पर हैं इनके, ये देखे। तो ये बच्चे पकड़े हैं यार, हाथ गंदे कर रहे हैं, तो इसको जो है ना टाइम से मुंह उठा के ना कहीं पे फेंकते हैं, ताकि ये बच्चों के जो है ना हाथ ना लगे। ओए यार नीचे से फटा हुआ है वो, इसको ये तीन चार रह गए हैं, इसको उठा लेता हूँ हाथों से। तो खैर अपने चूजों को जो है ना मैंने बंद कर दिया है, वो अब दाना वगैरह डाला है तो खाना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ग्रोथ मुझे जिधर तक लगता है इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना करेंगे इंशाल्लाह। तो खैर अभी इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाज़त, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ऐसे नहीं करना।